वेलकम गाइस, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू फिटनेस हॉबी। और आज फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट दिया और सब्सक्राइब किया, वीडियोस देखे उसके लिए, व्यूज़ के लिए। और आपने मेरा थंबनेल तो देख लिया होगा आज, कि आज हम बेंच प्रेस के बारे में बात करेंगे। हम उसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं, गलतियाँ क्या क्या करते हैं, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट ग्रो नहीं होती, या चेस्ट में मास पैदा नहीं हो रहा, या ग्रो नहीं कर रहा है, चेस्ट मसल नहीं बन रही है, तो हम वो चीज़ जानेंगे। और इसमें बेस्ट 5 mistakes आपको मैं बताऊंगा, जो जनरली मैक्सिमम पीपल गलत करते हैं जिम में या घर पे, कहीं पे भी ले लो आप, गलतियां होती हैं ये सब। तो जो कॉमन मिस्टेक्स है जनरली अराउंड आ जाती हैं, तो उसको यूज़ करेंगे। हमारे 5 joints होते हैं जो लिटरली मतलब हमारे को बेंच प्रेस करते समय याद रखने चाहिए। वो कौन से 5 joints हैं, मतलब जो हमें बेंच प्रेस में याद रखने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, आप जब भी बेंच प्रेस करें तो आपके दोनों लेग्स जमीन को टच होने चाहिए, ठीक। तो फर्स्ट 2 points तो ये रिकवर हो गए कि आपको अपने दोनों पैरों को ज़मीन में स्टेबल रखना है, क्योंकि हम जो भी फोर्स जनरेट करते हैं, जो भी फोर्स लेते हैं वेट को लिफ्ट करने के लिए, वो जनरेट हमारी लोअर बॉडी से जनरेट होता है। इसलिए हमें ये दोनों पैर को हमें ज़मीन में रखना है। तो ये फर्स्ट 2 points हो गए, 2 ये हो गए। और थर्ड पॉइंट है, हमें ऐसे डाउन होते हैं जब, तो हमें ये अपना जो हिप है लोअर, इसको हॉलो स्पेस देना है, और अपने चेस्ट को ऐसे स्ट्रेच देना है, सी अपने चेस्ट को स्ट्रेच देना है और स्क्वीज करना अपनी बैक को लाइक दिस। तो हमारे 2 चीज़ें अटैच हो गई। फर्स्ट दोनों लेग्स हमारे ग्राउंड फ्लोर पे है, हमारे ग्लूट्स बेंच पे है, और दूसरा हमारी लैट्स जो बैक है वो पीछे टच हो रही है बस। और अपना हेड शोल्डर बैक, ग्लूट्स और लेग्स, बोथ लेग्स, ये 5 joints है जो हमें वर्कआउट करते समय बेंच प्रेस में ध्यान रखना है, जो हमें गलती नहीं, जो हमें पोस्चर को अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं। अब मतलब अपने अराउंड में नोटिस किया है कि जब बेंच प्रेस कर रहे हैं तो उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, मतलब कि ईगो लिफ्टिंग बोल सकते हैं आप उसे एक टाइप से, कि मतलब किसी को फॉलो कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, तो वो ईगो लिफ्टिंग कर रहे हैं, मतलब गलत कर रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको, ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर वेट आपका नेगेटिव पार्ट, जब आप वर्कआउट करते हो उसका नेगेटिव कंट्रोल अगर आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, अच्छा रुकिए मैं आपको करके दिखाता हूँ नेगेटिव किसे बोलते हैं। फर्स्ट वी टेक अवर पोजीशन, अपनी पोजीशन से ही लेंगे और वेट लिफ्ट करेंगे। नेगेटिव बोलते हैं कि हम कितना कंट्रोल वेट को नीचे ला रहे हैं, नीचे ऐसे, तो नेगेटिव पार्ट ये है कि हम अपने वेट को जब नीचे लिफ्ट, ग्रेविटी की साइड, नीचे की साइड ला रहे होते हैं, तो हमें ये कंट्रोल में होना चाहिए वेट। मतलब ये ना हो कि आप नीचे ला रहे हो तो आपके हाथ कांप रहे हो या वेट कंट्रोल में नहीं है, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। तो ये ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल मत करें, वो वेट आपके लिए नहीं बना जो आप वेट लिफ्ट कर रहे हो। सो वेट उतना ही ले जितना आपके बॉडी से कंट्रोल ग्रिप। कुछ लोग होते हैं हैवी लिफ्टिंग, मतलब 250 kg या 150 kg, 50 kg, मतलब वेट लगा लेते हैं बार पे और उसको लिफ्ट करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ग्रिप प्रॉब्लम होती है। हमारी ग्रिप आपको मैं दिखाता हूँ, एक बार में दिखाता हूँ। जैसे ये हमारी बार है, तो हमारी ग्रिप ऐसे होनी चाहिए, सी, ना कि ऐसे। कुछ लोग विदाउट उसके ऐसे ग्रिप लेते हैं शो पीस के, शो ऑफ के लिए, तो हमें ये वाली ग्रिप नहीं यूज़ करनी विदाउट उसके, हमें ये ग्रिप लेनी है, ऐसे नहीं लेनी, ऐसे करनी है। तो ये चीज़ हमें अपनी बेंच प्रेस में बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये जो विदाउट थंब वाली जो ग्रिप है, इसमें वेट छूट सकता है, लिफ्ट
हट सकती है और आपसे दुर्घटना भी हो सकती है इस चीज़ में। अगर इतना ज़्यादा वेट लेकर आप ये नादानी करेंगे सो इससे बहुत ज़्यादा इंजरी, बहुत ज़्यादा चोट आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाता है। सो प्लीज़ आप ग्रिप ये वाली लें, ना कि ये विदाउट थंब वाली ग्रिप बिल्कुल भी मत लें, और हैवी वेट में तो बिल्कुल ही नहीं हो, लाइट वेट में भी ना लें, क्योंकि इससे एक जो ग्रिप मिलती है ना उससे एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप मिलती है जो हम बेसिक मिस्टेक नहीं करते हैं। तो ये चीज़ का बिल्कुल लिफ्टिंग के टाइम में जब एक चीज़ करते हैं तो लोग क्या करते हैं, शोल्डर में प्रेशर आने लगता है उनका, मतलब हमारे चेस्ट में स्ट्रेस और स्क्वीज नहीं हो रहा होता है क्योंकि वो शोल्डर का यूज़ करने लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ भी गलत है। देखिए मैं बताता हूँ क्या चीज़ होती है यहाँ पे, इस चीज़ को बहुत गौर से देखिएगा। हम अपनी पोजीशन में आते हैं, पोजीशन में आने के बाद गलती क्या हो रही है, हमने वेट लिफ्ट किया तो ये स्ट्रेट टू द हैंड्स के बिल्कुल स्ट्रेट में सामने, तो ये क्या होगा, लिफ्ट किया और इसको ठीक नीचे ले आ रहे हैं, तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, इसको सीधा नीचे नहीं लाना है, इसको निप्पल्स में ले जाना है, हेड से निप्पल्स हल्का सा नीचे चेस्ट में टच करके फिर सेम पोजीशन में ऊपर, फिर नीचे टच अप टच अप टच एंड अप। तो आपको शोल्डर को बिल्कुल ऊपर रखना है, और जब आप शोल्डर को ऊपर रखेंगे और जब आप डाउन करेंगे वेट को तो आपको धीरे धीरे नीचे आना है और अपने निप्पल्स डाउन जो चेस्ट का नीचे वाला पार्ट है उसमें ला के आपको उसे टच करना है, ना कि आप इसको सामने ही रखें और फिर इसको सामने नीचे ला रहे हैं यहाँ पे, तो नहीं करना, क्योंकि इससे शोल्डर ज्वाइंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और इससे क्या होगा कि आपका शोल्डर को जो मोबिलिटी है, जो ज्वाइंट है, रोटेशन बॉल है यहाँ पे जो, वो ख़राब हो सकती है और इससे बहुत ज़्यादा इंजरी आ सकती है। क्या गलती होती है लोगों को लगता है कि मतलब लोगों की सोच क्या है, सोच क्या है वो ठीक भी है और कुछ लोगों के लिए गलत भी, क्योंकि जब तक हम सही चीज़ नहीं जानेंगे बोलते हैं, हर चीज़ के पीछे एक पढ़ाई होती है, अगर आप उस चीज़ को बेसिक को पढ़ेंगे नहीं तो वो चीज़ अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। तो इसके पीछे भी मतलब ये फिटनेस है, कोई मजाक नहीं है, सालों लगते हैं इसको बनाने में, तो इसमें भी आपको बेसिक ध्यान रखना है। तो आप लिफ्ट कर रहे हैं सही है, लेकिन क्या है कि गलत लिफ्ट करने से क्या है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो कुछ लोगों को डाउट मन में क्या बैठा हुआ है कि हैवी वेट उठाने से हमारी चेस्ट ग्रो होती है, ये बात एक्सेप्ट है कि हैवी वेट मारने से मसल गेन होती है, तो हैवी वेट का मतलब ये नहीं है कि आप वेट ले लें, कंट्रोल से बाहर हो जाए और आप जबरदस्ती उसको धक्का मारे पड़े। तो ये चीज़ एकदम सरासर गलत है, तो आप बिल्कुल इस चीज़ का यूज़ ना करें और हैवी वेट बिल्कुल भी मत उठाएं, क्योंकि अगर जो वेट आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है या आप उसे गेन नहीं कर पा रहे हो तो वो वेट आप क्यों ले रहे हैं, वो वेट आपके लिए बना ही नहीं है। जो वेट आपके उसमें कंट्रोल में है सिर्फ उसी वेट से ही अपने बॉडी को ग्रो करें और उसी वेट का ही यूज़ करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, हिट द बेल आइकन और सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, और इससे रिलेटेड आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन पुट करना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, साइड में इंस्टाग्राम पॉपअप हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, और ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियोज़ का अपडेट आता रहेगा। सो कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, फिर मिलेंगे, चलते चलते।